गुरुवार सुबह हुई झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन कई जगहों पर हुए जलभराव की समस्या से नागरिकों को जूझना पड़ा। न्यूनतम तापमान में करीब 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि बारिश का यह सिलसिला अगले 1-2 दिनों तक जारी रहेगा। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। इससे दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के करीब रह सकता है। मौसम विशेषज्ञ का कहना है कि राजस्थान के ऊपर कुछ वायुमंडलीय परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, इसके चलते जिले में बारिश हो रही है। राजस्थान में एक निम्न वायु दाब क्षेत्र बना हुआ है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड होते हुए बंगाल की खाड़ी तक इसका विस्तार हुआ है। इसके चलते पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। अभी भी गोरखपुर व आसपास के जिलों में गरज और बिजली की चमक के साथ बारिश हो सकती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए जो IMD द्वारा हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी उसके अनुसार अभी आगामी तकरीबन 2-3 दिनों तक इस तरह के मौसम रहने की संभावना उन्होंने व्यक्त की है, जिसमें 25-50% तक की यह संभावना व्यक्त की गई है कि आने वाले कुछ दिनों तक वर्षा बनी रहेगी। कुछ कुछ स्थलों पर गरज के साथ छींटे भी पड़ेंगे, कहीं कुछ स्थलों पर वज्रपात होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। तो इस तरह से धूप छाँव की स्थिति बनी रहेगी और साथ ही साथ कुछ जगहों पर बारिश भी बनी होती रहेगी।